वर्ण, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई का मतलब आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कि 7 × 8 = 56। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है। टेबल्स आने से क्या होगा, जब भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इजीली उसका आंसर लिख पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना। क्या होता है? गुणा करना। उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम दो नंबर्स को a × b मल्टीप्लाई करें या हम करें b × a, आंसर दोनों में ही सेम आएगा। चाहे हम करें 6 × 1 या फिर हम करें 1 × 6, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 6 × 1 = 6, 1 × 6 = 6। ऐसे ही हम अगर दूसरी प्रॉपर्टी पर जाते हैं, अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। जैसे कि 7 × 0 = 0। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर गलतियाँ करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है a × 1। अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें 1 से तो आंसर क्या आता है? वो नंबर खुद आता है। जैसे कि 10 × 1 = 10। छोटे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। 5 × 6 = 7, 5 × 6 = 7, इस तरह के मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। लेकिन जब हमारे पास इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करके देखना होता है। जैसे कि मैंने ये नंबर्स को इस तरह से लिख लिया। मैं इस नंबर को ऊपर भी लिख सकती थी, कोई फ़र्क नहीं आएगा हमारे आंसर में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें अगर नाइन का टेबल नहीं आता है तो हमने लिख लिया, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको टेबल लर्न है। हमने क्या किया, 9 का टेबल पढ़ा 8 बार। 9 × 8 = 72। 72 का 7 यहाँ कैरी चला गया 7 ऊपर। 9 × 2 = 18। 18 + 7 आया 25। 25 का 5 कैरी लग गया 2। 9 × 7 = ऐसे ही हमने ये लाइन किया। इसको मैंने आपको अलग से करके दिखाया है, एक एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। सेकेंड लाइन में जाने के लिए हम यहाँ एक क्रॉस लगाते हैं। सेकेंड लाइन में एक क्रॉस, फिर हमने इस नंबर का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ किया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ करके दिखाया हुआ है। तो आंसर क्या आया? 6552। यहाँ पे क्या आंसर आया? 6552। हम 6552 लिखेंगे तो सही, लेकिन ये वाला क्रॉस लगाने के बाद। अगर आपने ये क्रॉस नहीं लगाया, कुछ जगह यहाँ पर ज़ीरो भी रखना सिखाया जाता है, बट मैं प्रेफर करती हूँ क्रॉस लगाना, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद आता है 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में, जो कि मैंने आपको यहाँ करके दिखाया हुआ है। 8 × 2 = 16 = 6, कैरी लगी 1, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, 2 × 7 = 14 = 14। पूरा नंबर हमने यहाँ लिखा, लेकिन दो क्रॉस लगाने के बाद। यही ये एक रूल है, मान लीजिए पहली लाइन में कोई क्रॉस नहीं, दूसरी लाइन में एक क्रॉस आएगा, तीसरी लाइन में दो क्रॉस आएंगे, जो कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमने सारे नंबर्स को यहाँ ऐड कर लिया। 2 का 2 आ गया, 5 और 2 = 7 आ गया, और यहाँ ऐड करके हमें ये नंबर मिल गया। है ना बहुत इजी मल्टीप्लाई करना, बट हमें ध्यान देना होगा कि हम ये जो मल्टीप्लाई करें वो सही करें। अगर हमने एक भी लाइन में मिस्टेक की तो हमारा आंसर गलत आएगा। दैट मीन्स आपको टेबल्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए और आपको कैरी बिल्कुल ठीक ठीक जोड़नी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने डिफरेंट टाइप का लिया है, जिसमें क्या दिया हुआ है, एक ज़ीरो दिया हुआ है। ज़ीरो को मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं इस ज़ीरो के चक्कर में। हमने आपको सिखाया है जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई ज़ीरो में किया जाता है तो आंसर क्या आता है? 0। 1 × 0 = 0, 1 × 3 = 3, 1 × 2 = 2। आ गया समझ में? उसके बाद एक क्रॉस लगाया, फिर हमने क्या किया, 3 × 0 = 0, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। उसके बाद एक दो क्रॉस लगाए हमने, 7 × 0 = 0, 7 × 3 = 21 = 1, कैरी लगा 2, 7 × 2 = 14 और 2 = 16। फिर हमने क्या किया, इन सबको ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने देखा कि जहाँ भी 0 का मल्टीप्लाई है वहाँ पे क्या है, 0, 0। मैंने यहाँ आपको डिटेल में यहाँ करके दिखाया है एक एक सेक्शन को अलग अलग, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने क्या लिया है, बीच में 0 लिया है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को जहाँ पर 0 आता है वहीं पर होता है। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 1 × 3 = 3, 1 × 0 = 0। जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं वो हमेशा सेम ही रहती हैं। 1 × 9 = 9। उसके बाद एक क्रॉस लगाया, 1 × 3 = 3, 1 × 0 = 0 एंड 1 × 9 = 9। उसके बाद दो क्रॉस,
2 3 6, 2 0 0, 2 9 18। हमने इन सबको ऐड किया और हमें आंसर मिल गया। मैंने यहाँ आपको डिटेल में करके दिखाया हुआ है, अगर आपको कोई डाउट हो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं और अपना आंसर सही निकाल सकते हैं। अब हमारा एक और एग्जांपल है जहाँ पर क्या है, बहुत सारे जीरो दिए हुए, दो जीरो दिए हुए हैं आपको मल्टीप्लाई में एक नंबर में, जिसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि अब इन जीरो का क्या किया जाए। तो मैंने आपको सिखाया है जब भी किसी नंबर का जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, जीरो। 09 ज़ा 0, 01 ज़ा 0, 02 ज़ा 0, 06 ज़ा 0। उसके बाद क्या किया हमने, एक क्रॉस लगाया, फिर दूसरा जीरो आ गया, जीरो से फिर सबके साथ क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, दो क्रॉस आएंगे, 49 ज़ा 36, कैरी लग गई 3, 41 ज़ा 4, 4 और 3 7, 42 ज़ा 8, 64 ज़ा 24। फिर से हमारा फोर्थ लाइन है, यहाँ पे कितने लगेंगे, 1 2 3 क्रॉस लगाए और आपने 9 2 2 9 ज़ा 18 की 8, कैरी लगी 1, 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12। इतना करने के बाद हमने इन सबको जब ऐड किया तो हमारे पास ये नंबर आया। आया आपको समझ में, आपके नंबर में चाहे जितने भी जीरो हों करने का तरीका यही रहेगा, और जीरो का मल्टीप्लाई जब भी किसी नंबर में होता है तो उसका आंसर जीरो ही आता है। हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें जीरो कहाँ बीच में दिया हुआ है, जिससे कि बच्चों को डाउट होता है हमेशा कैरी को ऐड कैसे करें। इसलिए हमने क्या किया, 9 4 ज़ा 36 का 6, कैरी लगी 3, 36 को हम ऐसे लिखते हैं, 6 को हमने यहाँ लिखा, कैरी लगाया 3। अब आया 9 0 ज़ा 0, अब हमारे पास यहाँ कैरी है ऊपर, तो क्या करेंगे, 0 प्लस 3 क्या आएगा यहाँ पे, 3। दैट मीन्स जो कैरी आता है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाता है। 9 6 ज़ा 54 का 4, कैरी लग गया 5, 9 3 ज़ा 27 5 32, 1 क्रॉस लगाया, 1 4 ज़ा 4, 1 0 ज़ा 0। देखिए यहाँ पर अगली बार में कोई कैरी नहीं है, दैट मीन्स 1 0 ज़ा 0 ही आएगा। 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3। ये करने के बाद हमने इसको ऐड किया और हमें ये आंसर मिला। आई होप आपको सब तरह के मल्टीप्लाई समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें अच्छे से कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।